झारखंड में बीजेपी और एजेएसयू का 19 साल पुराना गठबंधन टूट चुका है। बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद एजेएसयू ने भी विरोध में अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। गठबंधन को लेकर चल रहे शहमात के खेल के बीच एजेएसयू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो से बातचीत की हमारे संवाददाता सत्यजीत कुमार ने। क्या मामला है देख रहे होंगे आप, पूरा महाराष्ट्र से लेकर हर जगह जो बीजेपी के छोटे जो माने सहयोगी दल है वो नाखुश दिखते हैं अपने बड़े पार्टनर से, और झारखंड में भी कमोबेश इसी तरह की स्थिति दिख रही है सर। मैं महाराष्ट्र से तुलना नहीं करूंगा, और ये स्थितियां कैसे पैदा होती है कैसे बनती है ये हमेशा मेजर जो रोल करते हैं उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो भी लोग होते हैं संरक्षण पर रहते हैं। हमारी परिपाटी भी उस तरह की कभी रही नहीं है। हम अब दायरे में अपने लोगों का इस प्रदेश के लिए जो चीज़ हम लोगों ने एक लंबा संघर्ष किया है, कभी कभी समझ में ये भूल हो जाती है कि ये जनरल स्टेट नहीं है, एक स्टेट के लिए इस तरह का आंदोलन हुआ जैसे एक देश के लिए होता है। यहाँ का एक जुनूनी नौजवान बुद्धिजीवी सभी वर्गों ने इस प्रदेश की रचना के लिए काफ़ी मेहनत किया है। हमें जनसाधारण के इन अरमानों को पॉलिटिकली रूप से जो हमेशा यहाँ की जनता की भावना हमारे इस एनडीए गठबंधन के आसपास रही है, सम्मान दिया है जनता ने, उस सम्मान का आभार वापस करना चाहिए। और कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी या लीडर पब्लिक भावना से हित होकर कोई काम नहीं कर सकते। सर ये कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बॉन्डिंग जो है फ्रेंडशिप जो है वो स्ट्रांग है अभी भी, इधर से ओम माथुर जी कहते हैं कि हम लोग उनका जो मांग था बढ़ते जा रहा था, एस्पिरेशंस बढ़ते जा रहा था, एस्केलेट करते जा रहा था, तो उसको कंसीड करना जरा मुश्किल था। हमको समझने में उनकी भूल हो सकती है, मेरी भावना को समझ नहीं पाए, सीटों की गिनती नहीं है मेरी भावना। हम लोग ने तो कुर्बानी दी है, जब हम स्टेट बनाने में जो कुर्बानी दी, हम कोई साधारण रूप से नहीं रहे, मैं स्टेट का एक सिपाही हूँ, मैं पॉलिटिकल बाद में हूँ, पॉलिटिकल रूप से हम लोग बाद में उभर के आए, मेरी भावना को समझना होगा। और मेरी भावना इस राज्य के 3 करोड़ जनता की भावना के आसपास है, आपको अपने दल और दलीय स्वरूप से बाहर उतर कर आम लोगों की भावना का ख्याल रखना पड़ेगा। और जब ऐसे उतर के आप सामने जाएंगे, हमेशा बड़े चिंतक लोगों का, बड़े दल के और जो लोग देश चलाते हैं उनको इन चीज़ों पर झांकना पड़ेगा, जो देश की कमोबेश परिस्थितियां कभी कभी बनती है, इन रूल्स करने में कभी कभी बड़े बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन ये जब भावनाओं को जीता जाता है, जब आप कैबिनेट में होंगे तो बड़े निर्णय आपसे हो सकता है, लेकिन भावनाओं की जब जीतने की बारी आएगी तो उनका भावना के नजदीक जाना पड़ेगा। इससे पहले जब इस संबंध में मुख्यमंत्री रघुवर दास से सवाल पूछे गए थे तो वो जवाब देने से बचते दिखे। एजीओसी से फ्रेंडशिप बरकरार है, तो मुख्यमंत्री जी साफ तौर से इनका कहना है कि दोस्ती बरकरार है, लेकिन एजीएसयू से जो है एग्जिस्टिंग गठबंधन इनका है कि नहीं, गठबंधन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। ना बीजेपी झुकी और ना आजसू रुकी, नतीजा सामने है, गठबंधन टूट चुका है, लेकिन दोनों ही दल इसके टूटने का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं। शुक्रवार को एजेएसयू ने घाटशिला से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप बलमुचो समेत 6 प्रत्याशियों की सूची जारी करके बीजेपी को एक और झटका दिया है। अब इस फैसले से किसको नुकसान होता है किसको फायदा, ये तो चुनाव के बाद ही साफ हो पाएगा। रांची से सत्यजीत कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।